जैसा कि हम लोगों ने जाना पिछले वीडियो में कि फूड प्रिंटिंग क्या होती है, देन कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिससे एक हैकर या एक अटैकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। बेसिकली आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है, देन हम आज जानेंगे कि पैन टेस्टिंग कैसे करता है। बेसिकली एक हैकर या फिर एक अटैकर आपके वेबसाइट्स को कैसे कॉपी कर लेता है, कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। बेसिकली इस वीडियो में आपको एक टूल के बारे में इंट्रोडक्स कराऊंगा, जिस टूल की हेल्प से एक हैकर या एक अटैकर आपकी वेबसाइट को कॉपी कर लेता है। बेसिकली इस वीडियो में आप एक सिक्योरिटी पर्पस यूज कर सकते हो कि आप अपने वेबसाइट को कॉपी होने से बचा सकते हो, एक हैकर या एक अटैकर आपकी वेबसाइट को कॉपी नहीं कर पाएगा। सारे स्टेप्स को आपको सिंपली फॉलो करना है, देन इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट को कॉपी होने से बचाओगे। बेसिकली इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशन दिखाऊंगा, तो आगे चलते हैं क्या क्या चीजें होती है हम देखते हैं। तो चलते हैं पीसी के स्क्रीन में। गाइस जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, मैं अपने पीसी के स्क्रीन में आ चुका हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वेबसाइट्स को कॉपी करने से कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कोई सा भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बी स्मार्ट, ये एक टेम्पलेट पर बेस्ड वेबसाइट्स है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एचटी ट्रैक से आप किसी भी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो, जैसे कि ज्यादातर हैकर्स या अटैकर्स करते हैं। यानी कि किसी भी वेबसाइट के डिटेल निकालने के लिए या किसी भी वेबसाइट्स को कॉपी करने के लिए ये टूल का यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम इस वेबसाइट का डिटेल निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट के यूआरएल को सिंपली कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली हमने इसे कॉपी कर लिया, देन सिंपली यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो सॉफ्टवेयर, इस टूल का हम आज यूज करने वाले हैं। एंड जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एचटी ट्रैक वेबसाइट कॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो सॉफ्टवेयर। तो सिंपली हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सिंपली आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट नेम कोई सा भी डाल सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हैक, जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट नेम डाल दिया। आफ्टर दैट सिंपली नेक्स्ट कर देता हूं। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपका जो एडिक्शन है, लाइक मैं आपको बता दूं यहां पर आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो सिंपली हम इसे अभी यही रहने देते हैं। देन यहां पर जो यूआरएल है, यहां पर आप देख सकते हो यूआरएल को आप गौर करिएगा। यहां पर आपको जो भी वेबसाइट्स का डिटेल निकालना है सिंपली उस वेबसाइट को आपको पेस्ट कर देना है। यहां पर मैं सिंपली उस वेबसाइट का लिंक को पेस्ट कर दिया हूं। देन सिंपली आपको यहां से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे सिंपली ये दोनों बॉक्स को आपको चेकआउट कर देना है। जैसे आप चेक करोगे उसके बाद आपको सिंपली फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करोगे यहां पर उस वेबसाइट को कॉपी करना स्टार्ट कर चुका है ये टूल। बेसिकली इस टूल की हेल्प से वो सारे वेबसाइट्स के फाइल टेम्पलेट्स, जो भी सोर्स कोड या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, सारी चीजों को ये कलेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ये किस तरीके से कर रहा है, ये किस तरीके से कॉपी हो रहा है। यहाँ पर मेन दो फाइल हैं जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता होता है, ये .xtaccess और ये robot.txt के फॉर्म में जो दो फाइल होते हैं, जो वेबसाइट्स के अंदर क्या चीज आनी चाहिए और क्या चीज नहीं आनी चाहिए ये सारी चीजों में नजर रखता है। तो फिलहाल हम उस कोडिंग में कुछ ऐसे चेंजेस कर देंगे जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को कॉपी होने से बचा सकते हैं। तो बेसिकली मैं आगे आपको दिखा दूं। बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो कोड यूज बाय द एक्सपर्ट, एट लीस्ट यूज कैन ट्राई एन ऑफ द यूट यूजर अगेन, कैन बी ट्रैक्ड। आप इनमें से किसी एक ट्रिक का यूज कर सकते हो। आप जिस चीज का नाम लिखोगे जो कि इन htaccess फाइल में जाकर आप ये लिख दो, तो ये चीजें वेबसाइट अलाउ नहीं करेगी। आप यहाँ पर किसी भी वेब टैरिफ या फिर वेब जीप या फिर htrack इस तरह के फाइल में जाकर नाम लिख सकती हो। इसी के साथ आप अपने वेबसाइट को पूरी तरह से सिक्योर रख सकते हो और कॉपी होने से बचा सकते हो।
सेकेंड मोस्ट मैटर्ड है कि लाइक मैं आपको बता दूं, रोबोट वाली फाइल में जाकर उन फाइलों या उन पेजेस में ऐड कर सकते हो, जिसे आप नहीं चाहते हो कि सेकंड पर्सन इस चीज को रीड कर पाए। आप इस तरीके से एसटी ट्रैक का यूज कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हो, जिसका आप यूज कर पाओगे अपने वेबसाइट को सिक्योर रख सकते हो। जो चीज अलाउ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर आप देख सकते हो डी अलाउ, यानी कि ये चीजें एक्टिवेट है बट ये चीजें वर्क नहीं करेगी। बस इतना सा चेंजेस करना है आपको, ये दो ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको फाइल को सेव कर देना है। बेसिकली ये दो तरीके से आप अपने वेबसाइट को सिक्योर रख सकते हो, कॉपी होने से बचा सकते हो, जिससे कि कोई हैकर या अटैकर आपके वेबसाइट को कॉपी नहीं कर पाएगा। बेसिकली आज की इस क्लासेस में इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन की कैसे वेबसाइट में फुटप्रिंटिंग होती है, देन कैसे फंक्शन को गैदर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सारी चीजें कैसे वर्क करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।